नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। सहरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, आपको बताते चले। तो जो चार चक्का वाहन है उसमें जो है 18 कार्टून विदेशी शराब के साथ, एक देसी कट्टा और एक कारतूस के साथ जो है चार अपराधी को सहरसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल LTF के जो प्रभारी हैं, जो LTF के इंस्पेक्टर हैं वो राजमणि जी, उनको गुप्त सूचना मिली थी महेशकूट से सोनबरसा की ओर जो है दो गाड़ी जा रही है, उसमें 18 कार्टून विदेशी शराब है, साथ ही साथ एक देसी कट्टा और एक जो है कारतूस है। तो उन्होंने टीम गठित की और जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने के बाद जो है काशनगर OP के मैना पुल के समीप जब वहां जांच चेकिंग अभियान चलाया गया तो वहां पर इन चारों अपराधियों को धर दबोचा गया। आपको बताते चलें, जो राजमणि जी हैं काफ़ी चुस्त और चालाक हैं और जो इंस्पेक्टर में सबसे दिग्गज माने जाते हैं, उन्होंने फौरन भी लापरवाही नहीं की। ये घटना सुनते ही फौरन जो है टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद इन चारों अपराधियों को धर दबोचा है। पहले इस संदर्भ में क्या कुछ कर रहे हैं क्वार्टर DSP, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। पिछली रात्रि को देर रात में सूचना मिली कि महेशकूट के रास्ते से शराब से लदी हुई दो गाड़ी जो है गुजर रही है, जिसकी सूचना जो है हमारे जो LTF के प्रभारी हैं इंस्पेक्टर राजमणि जी को प्राप्त हुई। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारियों से संपर्क किया। पदाधिकारियों से संपर्क करने के बाद जो है तुरंत कार्ययोजनाएँ बनाई गई। कार्ययोजना बना करके उसको ये करने के लिए वहाँ के जो सबसे नज़दीकी थाना प्रभारी थे उस एंट्री रूट के काशनगर OP के, उनको सूचना दी गई। और यहाँ से फिर जो है टेक्निकल सेल के प्रभारी हमारे इंस्पेक्टर राजमणि साहब और कुछ बल के साथ जो है चारों तरफ से उस रास्ते की नाकेबंदी की गई और चारों तरफ से सघन जाँच किया गया। बहुत देर जाँच करने के बाद ये दो गाड़ी में शराब लदी हुई दो गाड़ी मिली, जो आप पीछे देख सकते हैं। और उसमें जो गाड़ी प्राप्त हुई है, जो गाड़ी रिकवर हुई है, उसमें एक बोलेरो जीप है, एक बिलेनो चार चक्का वाहन है, साथ साथ जो उसके साथ आदमी थे उनके पास से एक 7.6 mm का देसी पिस्टल और उसी की एक मैगजीन और 3 जीवित कारतूस प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो कुल जितनी शराब प्राप्त हुई है वह 18 कार्टून शराब है, जिसकी कुल मात्रा 216 बोतल है, जिसकी कुल मात्रा 161.64 लीटर है, जिस पर अंकित है कि यूज इन ओनली चंडीगढ़। इसके साथ साथ 6 मोबाइल फ़ोन जो आप देख सकते हैं वो भी मिला है। चार चक्का वाहन जो मिली है बेलनों, उसमें कुछ संदिग्ध किस्म के कागजात भी मिले हैं, जिससे और भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 4 अभियुक्तों को इस क्रम में गिरफ्तार किया गया है, जिनको कि आपने देखा होगा, सुमित कुमार राजपिता, जिनके नाम राजकिशोर शाह है, सूरज कुमार ये बटराहा के रहने वाले हैं सहरसा ज़िले के, अमित कुमार ये महेशी के रहने वाले हैं, और अंशु कुमार ये सोनबरसा के चहरी का रहने वाला है। ये 4 अभियुक्तों की इस क्रम में गिरफ्तारी हो गई है। और ये पिछले 2-3 दिनों से हम लोग सघन अब देख रहे हैं, कुछ छापेमारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सहरसा के रास्ते से कोई भी अवैध शराब जो है आगे न जा सके, और अगर हमारे यहाँ भी आने वाली रहे तो उसको हम लोग रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आपने सुना हेडक्वार्टर DSP ने क्या कहा, साफ तौर पर कहा कि जो LTF के प्रभारी हैं राजमणि जी, उनको सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि महेशकूट से सोनबरसा की तरफ जो है गाड़ी जा रही है उसमें विदेशी शराब है, उसको जो है जांच के लिए फौरन जो टीम गठित की गई, और टीम गठित करने के बाद जो है ये चारों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।